इन लक्षणों से आप बिल्कुल पता कर सकती हैं कि पुरुष का जो स्पर्म है आपके अंदर एंटर कर चुका है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। कौन कौन से लक्षण हैं आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को बने रहिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताती हूँ कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसे चीज मिल जाए, कुछ ऐसे क्लू मिल जाए रिलेशन बनाने से पहले, रिलेशन बनाने के बाद, कि ये पता लग जाए कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी में अपियर होते हैं रिलेशन बनाने के बाद, जो कि आपको ये बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हेलो हैं। फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आपका जो पार्टनर है, जो उसका पार्टनर का स्पर्म है जो आपके वजाइना के अंदर एंटर कर जाता है, तो आपको कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो जब आपका जो मेल का सेल से एंटर होता है, तो ये आपके हस्बैंड पहले सबसे पहले आपको बता देंगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि मेल का सेल्स अंदर एंटर कर चुका है। दूसरा, आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जब आपको दिखाई देने लगेंगे, तब ये आप 100% समझ जाओगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो सबसे पहले जानते हैं आपके मेल का जो सेल से अंदर एंटर करता है, तो आपको आपको और आपके पार्टनर को कैसे पता चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन मेंटेन करते हो, जब आप कांटेक्ट में रहते हो, तो उस समय क्या होता है कि जब आपका मेल का जो मेल जो आपका पार्टनर है उसको स्खलन हो जाती है, तो वो आपको बता देगा कि हाँ ये चीज हो चुकी है और आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। सबसे पहला जो है यही सिम्टम्स है कि जब आपका मेल पूरी तरह से स्खलन हो जाता है, उसका पूरी तरह से उसका जो स्पर्म है वो आपके अंदर एंटर कर जाता है पूरा, यानी कि पूरा जो स्पर्म है वो आपके अंदर एंटर करना चाहिए, जिससे कि उसमें से स्पर्म जो है आधा चम्मच होता है, आधा चम्मच एंटर करता है, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपके फिलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। कुछ मर जाते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं, कुछ का हेड टेल अच्छा नहीं होता है, और जो अच्छे होते हैं वही आपके फ्लिपेंट ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, और भी आपके पार्टनर का जो सेल्स है उसका मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो उसमें से कुछ करोड़ों की संख्या में निकलते, तो करोड़ों की संख्या में है, लेकिन कुछ ही आपके फ्लिपेंट ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। तो आपके जो मेल पार्टनर है वो खुद आपको ये चीज बता देगा कि अब मुझे स्खलन हो चुका है और सारा का सारा डिस्चार्ज आपके अंदर एंटर कर हो गया है। दूसरा, कि जब आप जो है संबंध बना लेते हो, तो आपको तुरंत जो है गाढ़ा डिस्चार्ज बाहर नहीं निकलना चाहिए। पहली बात को, अगर आपका तुरंत गाढ़ा डिस्चार्ज जो है बाहर निकल जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो आपके पार्टनर का मेल जो मेल का सेल्स है वो अंदर नहीं गया है, वो बाहरी सारा का सारा गिर चुका है। अगर पतला वीर्य गिर रहा है तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पतला होता है वो आपके पार्टनर का जो स्पर्म होता है वो अच्छे वाला स्पर्म नहीं होता है, वो पानी होता है, और जब गाढ़ा निकलता है तो वो अच्छे वाले स्पर्म होते हैं, तो उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इसके लिए आपको ना तो जल्दी से उठ के अपना वॉकिंग वगैरह वगैरह करना चाहिए, ना तो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, और ना ही तो इधर से उधर करवटें बदलने चाहिए। जिस करवट में हो, जिस स्थिति में हो, जिस साइड में हो, उसी साइड में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लेग अप डॉग पोजीशन में रेस्ट करने चाहिए, नहीं तो सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रेगनेंसी के तीसरा जो आपको ये बताएगा कि आपका जो स्पर्म है वो वो अंदर है, एंटर जब कर, आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील होगा, आपको थोड़ा भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे वीकनेस है, कमजोरी है, या फिर ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि आपको थकी थकी या फिर मायूस मायूसी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी, आपको बिल्कुल ही हैप्पीनेस फील होगा और आप हैप्पी होके सारा काम करोगे। तो ये तीन जो मेन लक्षण होते हैं ये आपको दर्शाते हैं कि जो मेल का सेल्स है वो तुरंत के तुरंत पूरा का पूरा अंदर एंटर कर चुका है, और वहां पे अगर अंडा मौजूद रहेगा तो उस अंडे से वो
फर्टिलाइज हो जाएगा, वहां पे अंडा मौजूद नहीं रहेगा, तो 4 से 5 दिन आपके फिलोपियन ट्यूब में वो जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो बिल्कुल 4 से 5 दिन तक बिल्कुल जीवित रहेगा और अपने अंडे की तलाश करता रहता है, जो ही उसको अंडा मिलेगा उसे फर्टिलाइज कर लेगा। और जब बैक टू बैक रिलेशन बनाओगे, यानी कि अल्टरनेट डेज पे एक दिन बीच कर करके जो है रिलेशन बनाओगे, तो एक मरते मरते मरेगा तब तक वहां पे दूसरा स्पर्म जो है मौजूद हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट में रहा करो। उसके बाद जो दूसरा, जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, तो एक भाग तो ये हो गया, दूसरा जो भाग है वो आपको है प्रेगनेंसी के लक्षण। ये प्रेगनेंसी के लक्षण आपको कब से अपीयर होने लगेंगे? प्रेगनेंसी के लक्षण जब आप रिलेशन कॉन्टेक्ट में रह लोगे, उसके 10 से 12 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि 10 से 12 दिन के बाद अगर अंडा फर्टिलाइज हो गया है तो वो आपको भ्रमण करते हुए आपके फ्लिप जो यूट्रस है यानी बच्चेदानी है उसमें धंसने के लिए, उसके दीवाल में, एंडोमेट्रियम की दीवाल में धंसने के लिए, चिपकने के लिए वो तैयार होकर आ जाता है। वहां पे उसको एंडोमेट्रियम की दीवाल बिल्कुल मजबूत मिलनी चाहिए, उसकी थिकनेस बिल्कुल अच्छी मिलनी चाहिए। अगर उसकी थिकनेस अच्छी रहेगी तो वहां पे वो धस जाएगा, अगर उसकी थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी तो वहां पे वो नहीं धसेगा। वो धस के भी, यानी कि फर्टिलाइज अंडा हो के भी क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की दीवार से डाउट होने लगेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका हार्मोन डिसबैलेंस रहेगा, अगर आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ठीक से काम नहीं करेगा तो ये जो एंडोमेट्रियम की दीवारें सेड आउट होने लगेगी और आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, आपका जो फर्टिलाइज एग है बिल्कुल वहां पे खराब हो जाएगा और अगला मंथ पीरियड आपका आ जाएगा। तो वहां पे अगर आपका वो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसमें आपका अंडा धस रहा है तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपियर होने लगेंगे। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो आपको दिखाई देने लगेगा आपकी बॉडी में थकान होना। अगर आपकी बॉडी में पहले अगले महीने ये चीज नहीं थी, लेकिन इस महीने काफी ज्यादा आपको थकान महसूस हो रहे हैं, तो 100% आप श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा जो सिम्टम्स महसूस होगा वो है आपको बार बार वोमिटिंग आना। अगर आपको बार बार उल्टियां महसूस हो रही है, बार बार जी मिचला रहा है, बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मॉर्निंग सिकनेस जैसा महसूस हो रहा है, तो ये भी आपको बिल्कुल दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तीसरा जो आपको सिम्टम्स दिखाई देगा वो है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस। अगर आपके ब्रेस्ट में भारीपन महसूस हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, उसकी डार्कनेस आपको लग रहा है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये सारा चीज आपको तभी होगा जब आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में अंडा धस जाएगा, और जब अंडा धसता है तो वहां पे प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा जब बनने लगता है तो वहां पे आपकी बॉडी में HCG नाम का हार्मोन उत्पन्न हो जाता है। ये हार्मोन आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने का काम करता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़े दिन वेट करो, पीरियड जब मिस हो जाते हैं उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे 10 से 15 दिन बाद या फिर 1 वीक बाद, क्योंकि कितनी महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पहले ही दिखते हैं, कितनी महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बाद में भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये इस चीज पे अपने दिमाग को, अपने माइंड को बहुत ज्यादा नहीं थकाना है कि मुझे तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। और जब कॉन्टेक्ट बनाते हो तो उस समय भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।